गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू रिवाइज योर यूनिट टेस्ट सिलेबस ऑफ फर्स्ट चैप पॉइंट द रोड नॉट टेकन ऑफ योर इंग्लिश रीडर बुक द इंग्लिश सर्कल ऑफ सेवंथ ग्रेड ओके बेटा आई होप यू हैव टू समथिंग रिमेंबर द रोड नॉट टेकन ओके ये पॉइंट हमने पढ़ी थी जिसमें मैंने आपको बताया था हेयर इज अ पॉइंट ठीक है हु इज़ स्टैंडिंग इन अ टू डावर्ज ड्रॉड इन येलो वुड ओके एंड ही वॉज ही सॉरी फॉर दैट ही कुड नॉट ट्रेवल फॉर द बोथ रोड ओके एंड हीन ही कैन कुड सी एज फार एज द अंडर ग्रोथ द बुशीज ठीक है डेंस ग्रोथ ऑफ द बुशीज अंडर अ ट्री ठीक है और वो दोनों नेक्स्ट uh, में वो दोनों रोड्स को कंपेयर करता है ठीक है जिसमें मैंने आपको बताया था एक रोड ग्रासी होती है वॉन्टेड वीयर होती है और एक रोड इतनी अच्छी नहीं होती है तो जो पॉइंट होता है है, वो क्या डिसीजन लेता है जो रोड बहुत ज्यादा ग्रासी होती है उस रोड की तरफ जाने का वो डिसीजन लेता है लेकिन बाद में वो मतलब वो सोचता है कि पता नहीं मुझे ये डिसीजन कहाँ पर लेके जाएगा वो कन्फ्यूज़ है कि उसका डिसीज़न उसकी ये लाइफ टाइम पर डिपेंड करता है कि आई वॉज डाउटेड शुड आई एवर कम बैक एक बार इस डिसीज़न पर चलने के बाद क्या मैं वापस आ पाऊंगा ठीक है नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ में हमने बताया था कि वो बहुत लंबी सांस लेता है और वो सोचता है कि जैसे जैसे टाइम पास होता जाएगा ये टू डाइवर्ज रोड इस वुड पर प्रेजेंट रहेगी लेकिन मेरा जो डिसीज़न है वो फुल लाइफ टाइम मेरी लाइफ को इफेक्ट करेगा ओके दिस इज़ अ पॉइंट इन यू हैविंग इन योर यूनिट टेस्ट सो जस्ट वो वार्म अप वी हैव टू रिवाइज इट अगेन Okay. how ओके हाउ फार डिड वन ऑफ द One of द roads extended टिल द undergrowth. Why could कुड नॉट द travel both बोथ द Being the only ट्रेवलर द poet कुड नॉट ट्रैवल बोथ roads एट द सेम टाइम What doubts did द poet हैव ठीक है बेटा जैसे मैंने आपको बताया जो पॉइंट है वो कन्फ्यूज है कि वो कौन सा डिसीजन ले ठीक है रोड्स की जस्ट एक एग्जाम्पल दी गई है कि आपके सामने टू रोड्स हैं जिसको लेके आप कन्फ्यूज़ हो ठीक है आपके पास सामने टू डिसीज़न है टू चॉइसेस है आपने उन टू चॉइसेस में से किसको एक चीज़ को चूज़ करना है आपने एक डिसीजन लेना है तो उसके रिगार्डिंग ये फुल पॉइम है और जो पॉइंट है वो दोनों ही रोड्स पे चलना चाहता है लेकिन वो दोनों रोड्स पे एक टाइम पे नहीं चल सकता बींग वन ट्रैवलर ही कुड नॉट ट्रैवल द बोथ रोड्स एट सेम टाइम नाउ व्हाट डाउट्स डिट द पॉइंट द पॉइंट हैव डाउटेड दैट विच रोड टू टेक एज अ बोथ द रोड्स लुकड इक्वली फेयर ठीक है उसको क्या डाउट हो रहा है कि वो दोनों रोड्स को इक्वली फेयर कैसे करें मतलब वो दोनों रोड को एक समानता से देखना चाहता है लेकिन वो एक समानता से नहीं देख पाता द पॉइंट वॉज नॉट एबल टू फोर सी दैट विच रोड वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम क्लियर पॉइंट इस चीज को क्लियर करने में बिल्कुल भी जो पॉइंट है वो बहुत दूर तक देखने में एबल नहीं है मतलब वो नहीं जानता कि मैं भी जो डिसीजन लूंगा उसका मेरे फ्यूचर पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ठीक है क्लियर बेटा द पॉइंट हैव डाउटेड दैट विच रोड टू टेक एज अ बोथ द रोड्स इक्वली फेयर लुकड एट इक्वली फेयर द पॉइंट वॉज नॉट एबल टू फोर सी दैट विच रोड वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम वो नहीं जानता कौन सी रोड उसके लिए बेनिफिशियल है मीन्स कौन सा डिसीजन उसके लिए बेनिफिशियल है आफ्टर डिसाइडिंग द रोड ही वुड चूज वट थॉट्स डिड द पॉइंट have the poet have the poet thought that the decision would decide the flow of the rest of his life फिर से वो क्या सोच रहा है कि उसका एक decision उसकी पूरी life को effect करेगा उसकी पूरी life के rest को हिला के रख देगा अगर वो अच्छा हुआ तो उसके साथ सिर्फ अच्छा होगा अगर बुरा हुआ तो सिर्फ बुरा एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द लाइन येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे द लाइन मीन्स दैट जस्ट एज वन पाथ लीड्स टू द अदर सिमिलरली वन चॉइस मेड बाय द पॉइंट विल लीड टू अन अदर क्लियर मीन्स का मतलब क्या है येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे एक रास्ता दूसरे रास्ते की तरफ कैसे पहुंचता है द लाइन मीन्स दैट जस्ट एज वन पाथ लीड्स जैसे एक रास्ता दूसरे रास्ते को चुनता है आपको पता है एक रास्ता टर्न करता है एक दूसरी साइड टर्न करता है पर रास्ता वो एक होता है सिमिलरली वन चॉइस मेड द पॉइंट विल लीड टू अनदर सिमिलरली वो बोल रहा है कि इसी तरह से मेरा एक डिसीजन मेरी दूसरी डिसीजन को जब मेरी पूरी लाइफ को मेरे आगे आगे मुझे इफेक्ट करेगा द पॉइंट विल लीड टू अनदर उसका एक चॉइस उसकी चीज को मेड टू विल लीड द अनदर वाट इम्पैक्ट हैड द पॉइट चॉइस मेड ऑन हिज लाइफ द चॉइस मेड बाय द पॉइट हैड शेप्ड हिज लाइफ इन अ पर्टिकुलर वे द चॉइस मेड बाय द पॉइट हैड शेप्ड हिज लाइफ इन अ पर्टिकुलर वे मीन्स उसका जो डिसीजन है उसकी लाइफ को शेप देगा मे बी इन गुड वे मे बी इन बैड वे इट हैड चेंज द कोर्स ऑफ हिज लाइफ Next, which there are actually you have a two reference to context, but uh, but actually you have to revise only one because uh, as you know, that uh, there uh, we have no there are the Classes okay, and I i know there are there is too much labels to you to have to remember, so basically, I have to a little bit, little bit, contents I have to cut it that okay. And sorry, I could not travel the both roads. Thikha? Who said these lines? The poet said these lines. What did both refer to? Thikha? Both refer to kisko refer kar The both word refers to the. Road that lay in front of the poet. Why was the speaker sorry? The speaker was sorry because he could not travel the both roads. Okay, beta. Next is I shall be telling this with the side. The speaker. वट वू वॉन्ट टू सेट वट विल द स्पीकर बी टैलिंग विद द साई द स्पीकर विल भी टैलिंग विद द साई दैट ही हैड डिसाइडेड टू टेक द लेस ट्रैवल रोड ओके ठीक है मतलब बहुत लंबी सांस लेके बोलता है कि मैंने एक रास्ते को चूज कर लिया है वट वुड द स्पीकर साई है वो क्या लिता है ठीक है द स्पीकर वुड साई वंडरिंग वट वुड हैव हैपन टू हिज लाइफ हैड चूजन द फर्स्ट रोड कि एक फर्स्ट रोड को चूज करने के बाद उसकी लाइफ में क्या हैपन होगा दिस डिससेटिस्फैक्शन Make him sigh. Okay, this is this.

Thank you. Have a nice day.